फेसबुक लाइव करने के बाद आर्थिक तंगी से परेशान एक्ट्रेस ने फांसी लगाकर दी जान। साल 2020 का हर दिन बॉलीवुड और टीवी जगत से कोई ना कोई बुरी खबर लेकर आ रहा है। अब तक न जाने कितने सितारे हम सबको अलविदा कह चुके हैं, कितने ही सितारों ने अपनी ज़िंदगी को खुद ख़त्म कर लिया। इसी कड़ी में अब एक और शख्सियत का नाम जुड़ गया है। टीवी सीरियल और भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री अनुपमा पाठक के आत्महत्या करने की खबर सामने आई। ये घटना रविवार रात की है, जब अनुपमा ने खुद को फांसी के फंदे पर लटका दिया। अनुपमा आर्थिक रूप से परेशान थी। आत्महत्या करने से पहले अनुपमा पाठक ने फेसबुक लाइव भी किया था, जिसके जरिए वो जिंदगी के उतार चढ़ाव के बीच आ रही परेशानियों को ना झेल पाने का जिक्र करती नजर आई थी। फेसबुक लाइव के दौरान उनकी बातों से लगा कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं। अनुपमा ने फांसी के फंदे पर लटकने से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा। इस सुसाइड नोट में उन्होंने फांसी लगाने के कारण बताए। उन्होंने लिखा, मनीष झा नाम के शख्स ने लॉकडाउन के दौरान मई के महीने में मुझसे मेरा दोपहिया वाहन ले लिया था। उस वक्त मैं अपने मूल निवास पर थी। जब मैं वापस आई तो मनीष ने मुझे मेरी स्कूटी वापस करने से मना कर दिया। अनुपमा ने दूसरा कारण बताते हुए लिखा कि मैंने एक दोस्त के कहने पर एक प्रोडक्शन कंपनी में 1,00,000 रुपये का निवेश किया था। कंपनी मुझे मेरा पैसा पिछले साल दिसंबर के महीने में ब्याज सहित वापस करने वाली थी, लेकिन वो कंपनी मेरे पैसे वापस करने में नाटक कर रही है। बहरहाल अनुपमा घर से मिले सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। काशीमीरा पुलिस स्टेशन के अधिकारी संजय जाय ने बताया कि इस मामले की छानबीन कर रहे हैं। हालांकि दोषियों पर कार्रवाई तभी की जाएगी जब सारे तथ्यों की जांच हो जाएगी। आपको बता दें कि अनुपमा पाठक ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में भी सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठाई थी।